नमस्कार किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी। हम सबको पता है कि जुलाई अगस्त में सबसे अधिक पौधारोपण होता है और इसके बाद सितंबर माह में अधिकतर किसान करते हैं और उसके बाद फरवरी के माह में भी पौधारोपण होता है। ये तीन मौसम पौधारोपण के लिए बहुत अनुकूल हैं। फरवरी में केवल ये ध्यान रखना है कि आपके पास पानी की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि फरवरी के बाद जो गर्मी पड़नी शुरू होती है तो उस समय पौधों को पानी की बहुत आवश्यकता होती है। किसान साथियों, हर साल की तरह इस साल भी आप पौधे अमेजिंग किसान के साथ बुक करा सकते हैं। हमारे पास नींबू के पौधे मिलेंगे। नींबू में आपको मुख्यतः साई सरबती, फूले सरबती, NRCC 8 और बालाजी मिलेंगे। अब की बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि चक्रधर भी मिल जाए। चक्रधर नींबू 10 प्रजातियों में से, नींबू की जो 10 प्रजाति होती हैं उनमें से अकेला ऐसा नींबू है जिसके अंदर बीज नहीं होते और इसका रंग थोड़ा सा हरा होता है ऊपर से और इसमें भरपूर रस होता है और इसका साइज लगभग 40। इसके अलावा मौसमी न्यू सेलर के पेड़ मिलेंगे और संतरा, जो नागपुरी 4 संतरा है, उसके भी पौधे उपलब्ध। जहां तक अमरूद की बात है, पिछले वर्ष सबसे अधिक जो डिमांड थी वो हिसार सफेदा की थी, जबकि मेरे पास इतना हिसार सफेदा नहीं था। हिसार सफेदा मिलेगा, लखनऊ 49 मिलेगा, अलाहाबादी सफेदा बहुत अच्छा अमरूद है, भरपूर इसमें फसल आती है, और इसके साथ आपका धवल मिलेगा, श्वेता भी अवेलेबल है, ललित भी अवेलेबल है और ताइवान पिंक ग्राफ्टेड भी अवेलेबल है और ताइवान पिंक क्लोन भी उपलब्ध है। इसके अलावा इस बार हमने 2 वैरायटी बेर की मंगाई हैं, बहुत अच्छी वैरायटी हैं। एक है बाला सुंदरी और दूसरी है मिस इंडिया। आप इन्हें भी बुक करा सकते हैं। अगर आप अभी लगा देंगे या जुलाई में लगाएंगे तो नवंबर तक आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नवंबर में कैसा फल आएगा, किस तरह का आएगा, ये आएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फल नहीं रखना है, आपको इसमें अगले वर्ष ही फल लेना है, लेकिन कुछ मात्रा फलों की ले सकते हैं, ऐसा कुछ किसान भाइयों ने किया है। इसके साथ कटहल के पेड़ हैं, जो कटहल आपका एक वर्ष होते होते 1-2 कटहल भी लगेगा, लेकिन 2 वर्ष से आप उसकी फसल ले सकते हैं, अगर पौधे की अच्छी देख रेख की तो। इसके अलावा जो चीकू है, जो काला पत्ती चीकू है, वो भी मिलेगा, उसके भी पौधे उपलब्ध होंगे। जहाँ तक आम की बात है, वहाँ पर आपको बनारसी लंगड़ा, आम्रपाली और चौंसा, ये 3 मुख्यतः होंगे, और अगर कोई बुक कराएगा तो हम दशहरी के पौधे भी उपलब्ध करेंगे। बुक कराने के लिए आपको जो मेरा नंबर है 9910336138 और 9910336139, इन दोनों पर व्हाट्सएप भेजकर बुक करा सकते हैं। पिछली बार नींबू के पौधे हमारे पास जैसे ही आए थे तैसे ही वो सब बिक गए थे और हमारे को लगभग 5000 पौधे कम पड़े थे, क्योंकि कुछ किसान भाई बाद में आते हैं। मेरा आपसे विनती है कि अगर आपने नींबू के पौधे लगाने की सोची है तो अपने पौधे बुक अवश्य करा लें, ताकि बाद में समस्या न हो। यही कारण मेरे पास अमरूद के पौधों का हुआ कि फरवरी आते आते मेरे पास एक भी पौधा अमरूद का नहीं था और मुझे सबको मना करना पड़ा। किसान साथियों, जो अमेजिंग किसान है, जहाँ भी उसका नाम आता है वहाँ गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब की बार मैंने ये निश्चय किया है कि पौधा 10 रुपये महंगा जरूर हो जाए, जैसे अमरूद का पौधा है, लेकिन मैं उसे निमाटोड फ्री कर थैली में भेजूंगा। उसमें है या नहीं है इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं उसमें निमिटीसाइड भी डालूंगा, इंसेक्टीसाइड भी डालूंगा और एक फंगीसाइड भी डालूंगा कि जिससे किसी भी प्रकार के जड़ों में कोई हानि ना हो। मान लीजिए 100 पौधों में से 2 पौधों में निमाटोड निकल गया, कोई भी नर्सरी ये नहीं कर सकती कि हाँ हम निमाटोड फ्री करते हैं, लेकिन मेरी एक कोशिश है इस बार के देखते हैं। तो अगर
कुछ में भी हो गया तो लगभग ये सारे बाग में फैलते, देर नहीं लगती इसको, इसलिए मैंने इस बार इस पर विशेष ध्यान दिया। हालांकि मेरे यहाँ अभी तक किसी भी जगह पर ये नहीं शिकायत मिली कि हमारे पौधे में जो पौधे गए हैं उनमें नेमाटोड है, लेकिन फिर भी मैं इसका इलाज कर करता हूँ। किसान साथियों, जो किसान साथी लगभग 20,000 से ज़्यादा के पौधे बुक कराएंगे, उनको हम एक अपने ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबरशिप भी देंगे। उस मेंबरशिप की जो फीस होती है वो उनके लिए फ्री होगी और एक साल तक उन्हें पौधों की देख रेख संबंधी सभी जानकारियां मिलेंगी और जब भी उनको कोई समस्या होगी वो जानकारी मिलेगी। इसलिए देर ना करिए, नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9910336138 और 9910336139। व्हाट्सएप करें, आपसे तुरंत संपर्क किया जाएगा, आपको अगर पौधे लेने हैं उसका एस्टीमेट भेजा जाएगा, उसके साथ में आपका QR कोड है वो भी भेजा जाएगा, अकाउंट नंबर दिया जाएगा। और हाँ, जो CCRI से पौधे आएंगे अब की बार आप सबको उसमें रिसीप्ट बाद में मिलेगी, पहले आ जाइए पौधे बुक कराइए, उसके बाद जिस नाम की रिसीप्ट चाहिए उसका पूरा नाम और पता दीजिए और आपको बिल्कुल रसीद में कोई नहीं। पिछली बार तक कुछ समस्या आई चूँकि वहाँ पर एकदम से काटते थे, अब की बार मैंने ये प्रबंध किया है कि रसीद आप बाद में भी ले सकते हैं। इसलिए निश्चिंत रहिए, क्वालिटी की तरफ ध्यान दीजिए, पौधे में ये बहुत ज़रूरी है कि पौधे की क्वालिटी क्या है। मैं कभी भी अधिकतर जो नींबू के पौधे हैं वो किसी वैसी नर्सरी से नहीं लेता, बहुत ही विश्वस्त नर्सरी का पता कर ही लेता हूँ और ये पौधे केवल CCRI के। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।